हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, तो ये करवा चौथ व्लॉग होने वाला है। आज है 3 नवंबर और कल है करवा चौथ, और ये व्लॉग 2 पार्ट्स में होगा क्योंकि आज मैं बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो एडवांस में करके रख लूँगी ताकि कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो। एक्चुअली में क्या है कि अभी हम लोग किसी हाउस हेल्प की हेल्प नहीं ले रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पे मेड्स नहीं आ रही हैं, मतलब हम ही लोग नहीं बुला रहे, अदरवाइज़ सब कुछ खुल गया है और लोग बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की वजह से अभी नहीं बुला रहे हैं। मैं आज एक्चुअली में बहुत सारे प्रिपरेशंस कर लेने वाली हूँ कल के लिए एडवांस में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट व्लॉगिंग एंड व्हाई नॉट शो एवरीवन हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर एंड सेलिब्रेट माई करवा चौथ। तो अभी क्या है सीन कि आज लेट बहुत हो गया है, बहुत लेट दिन स्टार्ट हुआ है मेरा और अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि कल मेरे पे इतना बर्डन नहीं रहे काम का। वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और अभी हम किसी भी हाउस हेल्प को नहीं बुला रहे हैं, तो सारा घर का जो काम का बर्डन है वो हम ही लोगों पे है, हम ही लोग एनी हाउ कैसे भी मैनेज कर रहे हैं उसको। तो अभी क्या है कि इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि कल एक तो फास्टिंग होगा, ऊपर से आप पूरा ग्लैमअप हो गए, पूरे रेडी हो गए, फिर अच्छे अच्छे पिक्स लेने हैं, तो कल बहुत हेक्टिक ना हो जाए एक ही दिन में सब कुछ करना। तो प्लान ये है कि अभी मैं बहुत सारा काम निपटा लूँगी ताकि कल थोड़ा इजी गोइंग रहे, कल थोड़ा सा रिलैक्स रहे और मैं फेस्टिवल को एक्चुअली मैं इंजॉय भी कर सकूँ। तो अभी करवा चौथ के लिए मेन्यू क्या सोचा हुआ है वो है, सबसे पहले तो मेरे को दाल की कचौड़ी खाने का बहुत मन था, मैंने लास्ट टाइम बनाई थी बहुत ऑसम बनी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार वही बनाते हैं। और दाल की कचौड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बहुत ईजी और क्विक रेसिपी बनाने वाली हूँ, कल बनाऊँगी वो मैं, आज नहीं। और एक मैंने सोचा है कद्दू की सब्ज़ी, वो मैं नहीं बनाऊँगी, वो मेरी मम्मी बनाएंगी। और क्या सोचा था, हाँ पनीर भी सोचा था, लेकिन पनीर अभी मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि हम बाकी टाइम भी मतलब वेज में सबसे फेवरेट क्या है, पनीर, तो हम पनीर वैसे ही खाते रहते हैं, तो इस बार हमने सोचा है कि लेट्स कीप इट लिटिल सिंपल, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और साथ में हम बनाने वाले हैं खीर, और एक और चीज़ थी नहीं खीर बनाने वाले। तो फिर अभी प्रिपरेशंस के लिए हमने सोच रखा है कि क्या क्या करें, तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं अभी जो पटेटोज़ हैं उन्हें बॉईल कर लूँगी अभी, और फिर खीर बना लूँगी आज, मैं रेडी कर दूँगी। और जो दाल है, दाल को मैं उसको रेडी करके उसका मसाला बना दूँगी ताकि कल कुछ ज़्यादा नहीं रहे, सिर्फ आटा गूंथ के रेडी करना है और फिर उसके बाद उसमें स्टफिंग करके और कचौड़ी बना लेनी है, तो थोड़ा सा हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और रात में मतलब अभी तो मैंने शावर भी नहीं लिया है, आप देख सकते हो मेरी हालत। तो अभी प्लान ये है कि चलो पहले तो किचन में चलते हैं, काम करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद कुछ पैम्पर करते हैं अपने आप को, और फिर उसके बाद नहा के जब पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा तो रात में जाके मेहंदी लगाएंगे। और मेहंदी कौन लगाएगा, हम खुद ही लगाएंगे, मतलब मैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे, एंड वी आर डन। आई होप सब अच्छे से हो जाए, तो लेट्स स्टार्ट इट। ये कुछ एलमंड्स हैं, मैं इनको भी सोक करने वाली हूँ अपनी खीर के लिए, तो कल के लिए आई विल बी प्रिपेयरिंग खीर। तो अभी उसके लिए स्टेप नंबर वन, लेट्स सोक दीस एलमंड्स। गाइस अभी खीर के लिए मैं ये जो चावल हैं इनको भिगो के रखने वाली हूँ, तो इनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देते हैं, फिर हम असली काम में लगते हैं। तो गाइस मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक्चुअली में खीर के लिए ये चावल भिगो के रखे हैं, और मैं इनको अच्छे से वॉश करके मिक्सी में इनको क्रश कर लूँगी। अब आप लोग बोलोगे क्रश क्यों करोगे, क्योंकि मेरे को छोटे चावल की जो खीर बनती है वो बहुत अच्छी लगती है, उसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा क्रीमी सा लगता है, तो मैं अभी यही करने वाली हूँ। और मैंने खीर के लिए साथ में ये बादाम भी भिगो के रखे हैं, एक बार ये सोख हो जाएंगे अच्छे से, फिर इनका छिलका उतार के और हम लास्ट में इस खीर में डाल देंगे। कचौड़ी के लिए दाल, ये कौन सी दाल थी, सॉरी गाइज आई एम वेरी बैड विद नेम्स ऑफ दाल, तो ये दाल जो थी ये है उड़द की, या उड़द की दाल जो है ये मैंने कल रात में सोक कर ली थी, अभी इसका पानी ड्रेन कर लिया है, अब इसको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी एक बारी और इसका पेस्ट बनाएंगे मिक्सी में। अच्छा इसका पेस्ट बनाने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि जब भी आप इसका पेस्ट बनाओगे तो उसको बहुत फाइन मत बनाना, मतलब मुझे तो थोड़ी दरदरी सी पसंद है, तो मैं थोड़ा इसको दरदरा सा पीसूँगी और फिर हम इसको मसाले में
कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो मसाले की रेसिपी मैं आप लोग को दिखा दूँगी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटस क्या है कि मैंने इस दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी भी निकल चुका है, एक्सेस वाटर, और अब मैं इसको क्रश करने वाली हूँ मिक्सी में। तो गाइस, ये मैंने दाल जो है ये मिक्सी में ब्लेंड कर ली है और मैंने इसका जो पेस्ट बनाया है वो बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा दरदरा है टेक्सचर में। अभी थोड़ी सी दाल और बची है, मैं उसको भी क्रश कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, ये जो मसाला है ये रेडी हो चुका है कल की कचौड़ी के लिए। और वैसे तो खाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी तो मेहनत लगती है। बिल्कुल रेडी है, हमने इसी स्टेज पे इसको छोड़ देना है जो थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा है, और इसको भी मैं छोटे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करके स्टोर करने वाली हूँ। और आप देख रहे हो कढ़ाई में पूरे साइड में दाल चिपक गई है, तो असली मेहनत अब ये भी आएगी कि इसको वॉश करना पड़ेगा और वो बहुत भारी काम है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसको जल्दी से ट्रांसफ़र करूँगी, इस कढ़ाई में पानी भर दूँगी ताकि थोड़ा सा वो इजी हो जाए वॉश करने में। तो लेट्स डू इट नाउ। तो गाइस, मैंने अभी क्या करा है, खीर के लिए दूध जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है, और आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही दूध है। अब खीर बनाओ और 2-3 दिन उसको नहीं इंजॉय करो तो क्या ही खीर बनाई आपने। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ही बना रही हूँ ताकि 2-3 दिन हम इसको एंजॉय कर सके अच्छे से। बताया था कि मैं जो चावल है मैं उसको भी ग्राइंड करने वाली हूँ। तो ये है चावल, ये सोक्ड राइस है और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सी में इसको भी दरदरा सा कर लूँगी, लेकिन हाँ, मतलब दाल से तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी उतनी बारीक नहीं करूँगी, थोड़ा सा इसको मुझे ब्रेक करना है। और फिर मैं इस बॉयल्ड मिल्क में इसको डाल दूँगी। और सॉरी, थोड़ा सा दूध गिर गया, अच्छा अभी मम्मी नहीं है तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बारीक हो गया है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है, मैं ऐसे पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो बहुत क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है खीर का अगर आप इसको ऐसे कर लो। तो आप इसको इसमें डाल देते हैं दूध में और चलो आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो अभी मैं क्विक अपडेट के लिए आई हूँ। अपडेट ये है कि अभी रात के आई थिंक या अभी रात के 11:30 हो गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 11:30 नाउ, और मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है। और मतलब उसके बाद जब मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था उसके बाद हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी हुई है। जब मैंने खीर चढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने खीर चढ़ा ली है, और जब वो पक रही थी तो फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और आई टुक अ टी ब्रेक, और उसको कम से कम फ्लेम पे रखे गई थी मैं खीर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं आई तब मैंने देखा कि उसमें से कुछ थोड़ा सा क्वांटिटी गिर गया था। तो वो हर जगह गिर गया था, मतलब गैस स्टोव गंदा हो गया, इवन गैस के अंदर जो नीचे की जगह होती है वो भी गंदी हो गई थी, इवन उसके नीचे जो ड्रॉर्स थे उनके अंदर भी साइड में घुस गया था। तो बहुत बड़ा काम बढ़ गया था मेरा, तो मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद मैंने ये रात के खाने के लिए जो डिनर के लिए सब्ज़ी बननी थी वो मैंने बनाया, बिकॉज आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मम्मी चपाती वगैरह टैकल कर लेंगी और मैं ये बना लूँ। तो मैंने फिर वो बनाया, पटेटोज़ बॉयल होने के लिए रखा। फिर उससे पहले यहाँ हमने वेजिटेबल्स आज बहुत ली थी, फ्रूट्स मम्मी ने ले रखे थे। मम्मा वॉज आस्किंग मी कि मैं उसको वॉश नहीं करूँ, बट सिंस मैं खुद ही कर लेती हूँ तो आई डिड दैट ऑल्सो। सब वॉश कर लिया, पटेटोज़ बॉयल कर लिए, खीर रेडी कर ली। उसके बाद अच्छा, खीर में मैंने बाद में क्या करा था, जब वो पक गई थी थोड़ी सी क्रीमी हो गई थी तो मैंने उसमें इलायची पाउडर ऐड करा था और शुगर ऐड करी थी, और शुगर आप कम ज़्यादा कर सकते हो जैसे भी आपको घर में पसंद हो।
और अभी मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करे, मैं उसमें कल किशमिश ऐड करूँगी, क्योंकि हम लोग है ना क्या करते हैं कि खीर में हम बनाते हुए नहीं डालते हैं, उससे क्या होता है वो थोड़ी सी फूल जाती है और उसकी जो स्वीटनेस होती है वो हमें कंपैरेटिवली कम लगती है, तो जो उसका स्टिकी सा टेक्सचर होता है जब हम उसको बाद में डालते हैं अलग से, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, प्लस वो बहुत स्वीट होती है, तो हम फिर शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो अपडेट बस यही था कि सारे काम हो गए थे, डिनर हो गया है, इवन डिनर के बाद के मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, और अभी या फिर सब काम करके एक और चीज़ थी, आटा भी पलटना था, मैंने वो भी नहीं पलटा था, तो आई वाज लाइक कि चलो यार ये भी काम ख़त्म करो, अब मेरे को नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए आई वांट टू रेस्ट, और इसीलिए मैंने ये मेन मेन काम कर लिया, मेजर काम। और अभी क्या है कि उसके बाद फिर मैं नहा ली, फिर नहा के मैंने सबसे पहले डिनर करा, डिनर के बाद अभी बर्तन धो दिए हैं, सब कुछ कर लिया, अभी मैं थोड़ी देर के लिए चिल कर रही हूँ, एंड आई एम इन्जॉइंग दिस कैडबरी का चॉको बेक्स केक जो है वो बहुत ही यम्मी है, तो मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। और या इससे पहले मैंने अपनी सरगी भी रेडी कर ली है, तो अभी इस बार मतलब कोरोना की वजह से हम कोई बाहर से सरगी वगैरह नहीं अरेंज कर रहे, तो मैंने क्या किया है, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, या सीरियसली मैंने आलू के पराठे बनाए हैं अपने लिए, और ललित के लिए भी बना लिए हैं, क्योंकि आई नो कि उसको भी भूख लगेगी और वो मेरे साथ जगेगा ही, तो फिर या और उसके अलावा खीर जो थी वो खा लेंगे, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर सरगी। और अभी मैं जाके लगाने वाली हूँ मेहंदी, तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, और देखते हैं, और मैं इसको फिल्म करूँगी और आप लोग इन्जॉय करो। ओके सी यू। या ऑल्सो वन थिंग, मैंने अभी अपने हेयर को ब्रेड कर लिया है, इससे क्या है कि मुँह पे नहीं आएंगे एंड इट विल बी हैसल फ्री फॉर मी टू अप्लाई मेहंदी, है ना। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन सेव करके रखे हैं, लेट्स सी कितना बन पाता है, कैसे बन पाता है। हालांकि ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने ऐसे पहले भी कभी कभी ट्राई करा है, तो लेट्स सी। ओके तो मिलते हैं मेहंदी के बाद। तो गाइस मेरे पास ये दो कोन्स हैं, एक नेहा मेहंदी है और एक सिल्वर गोल्ड है, और जो नेहा मेहंदी है वो मैंने तीज पे भी अप्लाई करी थी और मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि ये जब उतरती है ना तो ऐसा हार्ड कुछ पैटर्न पीछे नहीं छोड़ती, ड्राई स्किन नहीं छोड़ती, तो आई विल गो फॉर दिस पहले, अगर ये कम पड़ती है देन आई विल अप्लाई दिस सिल्वर एंड गोल्ड। तो लेट्स स्टार्ट इट। Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.